बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ कोकोनट केक की रेसिपी शेयर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलें। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ बहुत ही ईजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी केक बनता है। उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। पौना कप मैदा, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 2 अदद अंडे, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 2 टेबलस्पून फ्रेश मिल्क, 4 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी, 4 टेबलस्पून बटर या घी, 3 टेबलस्पून कोकोनट बुरादा। तो अब स्टार्ट करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। शुगर ऐड करें, इसको छान लेते हैं। अगर आप बटर यूज़ करना चाहते हैं तो बटर यूज़ कर लें, मैं इस वक्त घी इस्तेमाल कर रही हूँ। बस शुगर में अच्छी तरह मिक्स कर लें इसको। वनीला एसेंस डाल देते हैं 1 टीस्पून। अच्छी तरह मिक्स कर लें इसको, चीनी को और बटर इसको अच्छी तरह बीट कर लेंगे। अब ये जो अंडा और वनीला एसेंस डाल के रखा हुआ है थोड़ा थोड़ा ये शामिल करेंगे। बेकिंग पाउडर, मैदा और बेकिंग पाउडर दोनों इकट्ठे छान लेंगे। ओवन मैंने प्री हीट पर लगा दिया है, तो 180 डिग्री पे लगाया, 5 मिनट प्री हीट पर रखेंगे, फिर 170 पे इसको 30 से 35 मिनट तक बेक करेंगे। फ्रेश मिल्क शामिल कर दें, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। कोकोनट शामिल कर दें, अच्छी तरह मिक्स कर दें। चलिए ये तो हो गया तैयार। अब पैन में डाल देते हैं। पैन को हमने बटर लगा लिया है, तो आपको दिखाते हैं। 8x4 साइज़ का है, तो अब इसमें ये सारा मटेरियल डाल देते हैं। चलिए ये तो हो गया। थोड़ा सा कोकोनट का बुरादा ऊपर डाल दें। चलिए अब इसको रख देते हैं, ये हो चुका है। थर्टी मिनट के बाद चेक करेंगे, निकालते हैं इसको।
माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने। अभी आपको डिश आउट करके दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं काट के इसको, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह बने। अब बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, पूरा किचन मेरा खुशबू से महक रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त कोकोनट केक तैयार हो चुका है, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे इसका फीडबैक देना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।